हेलो न्यू चैप्टर कंटिन्यू कर वो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड है ये। वहाँ पर मैं बार बार एक बार पढ़ा था पॉलिनेशन पॉलिनेशन पॉलिनेशन, और मैं कह भी रहा था कि अगर आगे बढ़ाएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। अब पूरा चैप्टर आया सुअर के ऊपर, उस पॉलिनेशन के ऊपर क्या है, एक पूरा चैप्टर आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली शेप को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। यानी दो चीज़ें आपको इसमें मेन तो पढ़नी ही पढ़नी है कि एक पॉलिनेशन का मीनिंग क्या होता है, एक फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। तो इनसे रिलेटेड बातें पढ़नी है, इनसे रिलेटेड बातें पढ़नी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन से। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या है, तो कह रही है रेड सेट द स्टेमेंट्स ऑफ द ऑफ अ फ्लावर आर मेल ऑर्गन्स। अब ये तो आपको पता, स्टेमेंट्स मेल ऑर्गन्स होते हैं, एंथर्स फीमेल एग वो होते हैं। नहीं, एंथर तो स्टेमेंट के ऊपर का पार्टी होता है। ठीक है, ये भी मेल ऑर्गन ही होते हैं। और ये जो होते हैं एंथर जो होते हैं क्या करते हैं, एक पाउडर वाला मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, इसको पोलन बोलते हैं। ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। और उन पोलन के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये भी आपको पता है ना। अब इसके अंदर आपको ये शायद नहीं पता होगा, हर जो पॉलन ग्रेन होता है ना, हर पॉलन ग्रेन होता है उसके अंदर ना, दो स्पर्म न्यूक्ले होता है। ठीक है, जो क्या करता है, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या है, न्यू फ्लावर को प्रोड्यूस करने में, न्यू फ्लावर को प्रोड्यूस करने में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी वो दो स्पर्म जो होते हैं वो नए फ्लावर बनाने में हेल्प करते हैं बेसिकली। फॉर इनिशिएटिंग दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स। अब नए प्लांट बने, नए प्लांट में नए फ्रूट भी बन सकते हैं, नए सीड्स भी बन सकते हैं। तो इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए, पहला स्टेप होता है, इस प्रोसेस को शुरू करने का जो पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन है ना, पॉलन ग्रेन उनको स्टिग्मा तक पहुंचना होता है। स्टिग्मा जो कि फीमेल ऑर्गन होता है। ठीक है, स्टिग्मा तक पहुंचना होता है, पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुंचना होता है। अब वो कह रहे हैं ये सब काम हो सकता है, ये काफी तरीकों से हो सकता है। तीन तरीके हैं, इन तीन तरीकों में ये काम हो सकता है। पहला, जो पॉलन है ऑफ द सेम फ्लावर में फॉल ऑन इट्स ऑन इट्स स्टिग्मा बाय इटसेल्फ। मतलब उसी फ्लावर का पॉलन, उसी प्लांट का पॉलन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर जाए, सेम फ्लावर के ऊपर। तो इसको पहली बार बोलते हैं ऑटोगेमी। ऑटोगेमी, गेमी मतलब शादी, ऑटो मतलब सेल्फ, है ना। यार खुद से शादी कर ली बेसिकली उसने, और खुद के बच्चे हो जाएंगे अब, है ना, खुद के फ्लावर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा कह रहा है द पोलन ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट में फॉल ऑन द स्टिग्मा। द पोलन ऑफ अनदर, पोलन ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, यानी प्लांट की कैटेगरी तो सेम है, बस प्लांट दूसरा है। प्लांट की कैटेगरी सेम है लेकिन प्लांट दूसरा है, और वो अगर स्टिग्मा पर गिरा है तो उसको बोलते हैं गेटोनोगोमी। गेटोनोगेमी, इसका मतलब क्या है कि नेवर प्लांट है। क्या है इसका मतलब, नेवर प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो दूसरे प्लांट पर गिर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा है दूसरा नहीं थर्ड है जो कि आपको लास्ट है तरीका, वो क्या है, द पोलन ऑफ अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ अ सम सेम स्पेसीज में फॉल ऑन द स्टिग्मा। मतलब द पोलन ऑफ अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, किसी दूसरे प्लांट का, किसी दूसरे प्लांट का पोलन जो है तो सेम स्पेसीज वाले प्लांट पर ही गिरते, लेकिन फिर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर, है ना, जिसको बोलते हैं एलोगेमी एंड अदर। ठीक है, दिस ट्रांसफर कैन अकर थ्रू, और फिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये हो सकता है कि आपके पोलन ग्रेन से विंड से उड़कर वापस चले जाए, तो इंसेक्ट है, इंसेक्ट अपने इंसेक्ट उसको उठाकर ले जाए फिर वहाँ पर छोड़ दे, और अदर एजेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो द टर्म यूज फॉर दिस ट्रांसफर इज क्रॉस पॉलिनेशन। अब वो कह रहे हैं, अब ये जो यहाँ पे काम हुआ है इसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, तो इसको तो बाद में सुनने, क्रॉस क्या होता है, अभी पॉलिनेशन यूनिट समझते हैं। तो पॉलिनेशन का मतलब क्या, सिंपल सा,
पॉलिनेशन का सिंपल सा मीनिंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स को ले जाना, पॉलन ग्रेन्स को ले जाना। इस प्रोसेस को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। अब ये काफ़ी टाइप की होती है, इसमें से एक टाइप क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो बाद में देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो वो कह रहा है पॉलिनेशन मस्ट अकर बिटवीन प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज। वो कह रहा है पॉलिनेशन जो होना चाहिए वो सेम स्पीसीज के बीच में होना चाहिए। ये नहीं है यहाँ पर रोज़ फ्लावर है, वहाँ पर मैंगो का फ्लावर है, वहाँ पर पॉलिनेशन हो जाए, नहीं ऐसा नहीं, रोज़ का साथ। ठीक है, मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मे बी ग्रोइंग इन द सेम विसिनिटी। फॉर एग्जाम्पल ऑर्चर्ड में हैव ट्रीज ऑफ मैंगो, गुआवा, लीची एक्सेट्रा। इवन सम वाइल्ड ट्रीज लाइक नीम, जामुन एंड सीसम मे ऑल्सो बी ग्रोइंग इन द नेबरहुड। सिमिलरली वेरियस क्रॉप्स मे बी ग्रोइंग इन नेबरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड, वेट मस्टर्ड, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड सो ऑन। द विंड मे ब्लो अवे द पॉलन फ्रॉम ऑल सच प्लांट्स टुगेदर एंड थस द फ्लावर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट मे रिसीव ऑल काइंड ऑफ पॉलन ऑफ इट्स ओन काइंड एज वेल एज ऑफ अदर्स। सिमिलरली इंसेक्ट्स लाइक बीज एंड बटरफ्लाई जनरली डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन प्लांट्स एंड कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ फ्लावर्स। इन द प्रोसेस द इंसेक्ट्स आर कैरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ऑन देयर बॉडीज, देयरफॉर द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ एनी वन पर्टिकुलर प्लांट रिसीव पॉलन ऑफ इट्स ओन स्पीसीज एज वेल एज ऑफ अदर्स। बट नेचर हैज डिजाइंड फ्लावर्स इन सच अ मैनर दैट ओनली पॉलन ऑफ सेम स्पीसीज ऑफ प्लांट विल सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर टू कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड द पॉलन ऑफ रेस्ट ऑफ द टाइप्स विल फेल टू जर्मिनेट द एंड पेरिश। वो कह रहा है कि पॉलिनेशन जो होगा वो सेम स्पीसीज के बीच में ही होगा। ठीक है, वो कह रहा है कि मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स विल बी ग्रोइंग इन द सेम विसिनिटी। वो कह रहे हैं एक ही एरिया में हो सकता है बहुत तरीके के फ्लावर्स ग्रो हो रहे हैं। एग्जाम्पल तो हो सकता है एक ऑर्चर्ड है जहाँ पर मैंगो का ट्री भी लगा हुआ है, तो अकेला मैंगो ट्री नहीं है, मैंगो के साथ गुआवा भी है, लीची भी है, सर नीम भी है, मैंगो ट्री भी है, गुआवा ट्री, लीची का भी है, नीम का भी है, जामुन का भी है, शीशम का भी है। ठीक है, हो सकता है सर वहाँ पर पास में वो एग्रीकल्चर फील्ड्स हो जहाँ पर वीट भी ग्रो हो रही हो, मस्टर्ड ग्रो हो रहा हो, पल्सेस ग्रो हो रही हो, वेजिटेबल्स हो रहे हैं। ठीक, हो सकता है यानी एक जगह पर सारी चीज़ ग्रो हो सकती है, एक जगह पर है ना, एक फ्लावर के नहीं कर एक जगह पर। तो वो कह रहा है अभी ऐसे कैसे मुझे इम्पोर्टेंस चाहिए कि विंड अपने साथ इन सभी के फ्रॉम ऑल सच प्लांट्स टुगेदर, इन सभी के क्या ले जा सकती है, पॉलन ग्रेन से ले जा सकती है हवा में, है ना। ठीक है, एंड दस द फ्लावर्स ऑफ पर्टिकुलर प्लांट में रिसीव। और ये जो पोलन ग्रेन्स, जब हवा रुकेगी, हवा ठंड थोड़ी धीरे होगी, तो पोलन ग्रेन्स गिरेंगे नीचे। तो सर हो सकता है ये जो है ना गिरे हैं, तो हो सकता है एक फ्लावर के ऊपर एक तरीके के पोलन ग्रेन्स गिरे हैं, या फिर एक प्लांट के ऊपर एक फ्लावर के ऊपर बहुत सारे तरीके के पोलन ग्रेन्स गिर जाएँ। ठीक है, हो सकता है मे रिसीव ऑल काइंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स, तो कोई एक प्लांट सारे के सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पोलन ग्रेन्स भी रिसीव कर सकता है। ठीक है, वो इसके खुद के भी हो सकते हैं फ्रॉम ऑफ इट्स ओन काइंड, अपनी तरह से भी या दूसरे के भी। ठीक है, ऐसे इंसेक्ट भी जैसे कि बीज और बटरफ्लाई जो नेक्टर लेते हैं किसी फ्लावर से, तो ये कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं ना, ये हर फ्लावर पर जाते रहते हैं। तो जब ये उड़ते रहते हैं तो ये भी पता चलेगा कि फ्लावर के ऊपर बैठते हैं, इनके पैरों में इनकी बॉडी में पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, और फिर ये किसी दूसरे फ्लावर पर बैठते हैं तो ये वो बॉडी पर से इनके निकल जाते हैं। तो इस तरह से भी एक किसी प्लांट के पास एक या एक से अलग अलग तरीके के पॉलन ग्रेन्स पहुँच सकते हैं। ठीक है, पहुँच सकते हैं। ठीक है, लेकिन नेचर ने ऐसा फ्लावर्स को डिज़ाइन किया है पर नेचर ने ऐसा फ्लावर्स को डिज़ाइन किया है कि
उनके ऊपर जो है ना उन्हीं के सेम स्पीसीज का जो पॉलन होगा वही सर्वाइव कर पाएगा, नहीं वही जिंदा रहेगा। तो दूसरे स्पीसीज के जितने पॉलन्स होंगे ना वो सारे खराब हो जाएंगे, वो सारे मर जाएंगे, सारे डेड हो जाएंगे, केवल वही सर्वाइव करेंगे और वही आगे जाके कंटिन्यू करेंगे ग्रो होना। ठीक है, किस लिए? रिप्रोडक्शन की पर्पस के लिए। बाकी जो रिमेनिंग है वो जर्मिनेट हो जाएंगे, वो जर्मिनेट होने फेल हो जाएंगे और पेरिस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। ठीक है, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। तो वो कह रहे दो तरीके के पॉलिनेशन होते हैं, एक सेल्फ और एक क्रॉस। एक सेल्फ और एक क्रॉस। तो सेल्फ मतलब खुद से, खुद के पॉलन ग्रेन खुद ही पर गिर रहे हैं, और क्रॉस में रहता है दूसरे के पॉलन ग्रेन हम पर गिर रहे हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा वाला भी क्रॉस हमसे सेम स्पेसिस का होना चाहिए। सेल्फ पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ये क्या है? पॉलिनेशन का ट्रांसफर ऑफ पॉलन। ठीक है, और सेल्फ मतलब क्या? अब सेल्फ के लिए डेफिनेशन क्या हो गई? पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम, मैं बता रहा हूँ कैसे करोगे। जैसे पॉलिनेशन की डेफिनेशन तो ये है ही है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, ये तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन हो गई। सेल्फ मतलब क्या है? यहाँ पे सेल्फ को मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, तो येलो वाले का मीनिंग मैं येलो कलर से दे रहा हूँ। स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, अगर सेम फ्लावर के हैं तो हम इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, ग्रीन वाले को मैंने ऐसे डिफाइन किया है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी भी बोलते हैं, यानी खुद से शादी करना। ठीक है, और टू द स्टिग्मा ऑफ एंथर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, है ना, बात एक ही है, एंथर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, गेटरोगेमी बोलते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन बिटवीन फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट इज कंसिडर्ड सेल्फ पॉलिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ कॉमन जेनेटिक कैरेक्टर। फिर को सेल्फ क्यों बोलता है? कॉमन जेनेटिक कैरेक्टर, क्योंकि उनके अंदर कॉमन चीज, उनके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है बेसिकली। जैसे कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जनरल क्वालिटीज जो होती है, जनरल फीचर्स जो होते हैं किसी प्लांट के, वो फिर सेम हो जाते हैं, है ना। सर्टेन माइन्यूट, माइन्यूट का छोटा सा, ये मिनट नहीं, ये माइन्यूट है। सर्टेन माइन्यूट बाइसेक्सुअल फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट ऑल इवन, एट ऑल इवन एट मैच्योरिटी। वो कहता है कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो नहीं खुलते हैं, इनफैक्ट मैच्योर होने के बाद भी वो ओपन नहीं होते हैं। दे आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज एंथर एंड स्टिग्मा रिमेन हिडन। उनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के जो पार्ट होते हैं बेसिकली, ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली, जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं वो हिडन रहते हैं एंड लाए क्लोज टू ईच अदर, और एक दूसरे के पास ही रहते हैं बेसिकली। देयर बाय फैसिलिटेटिंग सेल्फ पॉलिनेशन एज नो एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर रिक्वायर्ड। अब वहाँ पर हमें किसी भी सेल्फ, वो किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती, वहाँ पर खुद से सेल्फ पॉलिनेशन होता रहता है। सच फ्लावर्स आर कॉल्ड क्लेस्टोगेमस, सच फ्लावर्स आर कॉल्ड क्लेस्टोगेमस, है ना। तो आपको याद करना है, क्लेस्ट्रोगेमस फ्लावर्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? पी पेंसी, पी पेंसी, है ना। व्हेन कैन सेल्फ पॉलिनेशन अकर? अब वो कह रहा है सेल्फ पॉलिनेशन कब हो सकता है? अभी सेल्फ पॉलिनेशन का मीनिंग बताया था, अब वहां पूछ रहे हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन कब हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन कब हो सकता है? तो कह रहा है बाइसेक्सुअलिटी, सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। वो कह रहा है सेल्फ पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हो सकते हैं, जिसके अंदर मतलब फीमेल ऑर्गन दोनों ऐसे फ्लावर्स के अंदर हो सकता है, और ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, वे बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर बोर्न ऑन द सेम प्लांट, यानी प्लांट सेम ही है बस फ्लावर्स अलग अलग हैं। ठीक है,
वो कह रहा है ये सेल्फ फाउंडेशन जो हो सकता है दोनों तरीके के प्लांट्स में, ठीक है। होमोगेमी टू एंश्योर सेल्फ पोलिनेशन इट इज नेसेसरी दैट द एंथेरियोस्टिगमा ऑफ फ्लावर मस्ट बी मैच्योर एट द सेम टाइम। वो कह रहे हैं अगर आप चाहते हो कि सेल्फ पोलिनेशन तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस चीज़ का, कि स्टिग्मा और एंथर दोनों सेम टाइम पर ही मैच्योर हो, दोनों सेम टाइम पर ही मैच्योर हो। तो बता रहे हैं कि सेल्फ पोलिनेशन कब हो सकता है, सेल्फ पोलिनेशन तभी हो सकता है जब दोनों सेम टाइम पर क्या हों, मैच्योर, जब दोनों सेम टाइम पर क्या हों, मैच्योर हों। ठीक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, इसके एडवांटेजेस क्या हैं है ना और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो पहली बार क्या कह रहा है, एडवांटेजेस पढ़ते हैं पहले तो। इट इज मच श्योर इन सच बाईसेक्सुअल फ्लावर्स वेयर स्टैमेंस एंड कार्पेल्स मैच्योर एट द सेम टाइम। एक वर्ड आया श्योर, एडवांटेज के केस में लिखो श्योर का मीनिंग, अंदाजा आप लगा सकते हो का मीनिंग। लगा लिया अंदाजा, नहीं लगा पाए तो श्योर के ही कंपेरेटिव फॉर्म है, श्योर के ही कंपेरेटिव फॉर्म है। तो वो कह रहे हैं ये तो श्योर है, ये तो पक्का है, श्योर ने पक्का। वो कह रहा है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का ना ये तो पक्का है कि इसके अंदर तो स्टैमेट्स जो कार्पल्स होते हैं जो मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों सेम ही टाइम पर प्रोड्यूस होते हैं, सेम ही टाइम पर क्या होते हैं मैच्योर होते हैं। क्यों सर, ये तो एक ही प्लांट के अंदर है इसलिए, नहीं अलग अलग प्लांट के अंदर है तो ये सेम टाइम पर क्या होते हैं। अब बताओ सेम प्लांट के अंदर, एक ही प्लांट के अंदर मैं कंफ्यूज करना चाह रहा हूँ, एक ही प्लांट के अंदर होते हैं, एक ही प्लांट के अंदर, एक प्लांट तो सेम स्पीड से ग्रो करेगा तो उसके अंदर के ऑर्गन्स वो भी सेम टाइम पर क्या होंगे और सेम स्पीड से ग्रो होंगे। तो वही कह रहा है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर जो मेल और फीमेल ऑर्गन्स है वो सेम टाइम पर मैच्योर होते हैं। तो पहला तो ये बेनिफिट है, लेकिन किस केस में है ये, केवल इस केस में है ना, ये इस केस में एक एडवांटेजेस है। पेरेंटल कैरेक्टर्स आर प्रिजर्व्ड इंडेफिनेटली, पेरेंटल मतलब क्या, जेनेटिक, जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो संभाल कर वो प्रिजर्व रहते हैं। ठीक है, देर इज नो वेस्टेज ऑफ पोलिनेशन क्योंकि सर एक सेम प्लांट के अंदर ही हो रहा है तो यहाँ पोलिनेशन वेस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि पैसे जो सेल्फ पोलिनेटिंग एजेंट होते हैं विंड हुए, इंसेक्ट हुए, वाटर हुए, तो ये क्या होते हैं इनके से कुछ पोलिनेशन वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है तो ये वेस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, इवन आ स्मॉल पार्ट ऑफ पोलिन विल सफिस, यानी कि थोड़ी सी पोलिनेशन क्या होता है वेस्ट नहीं होता। ठीक है, द फ्लावर्स नीड नॉट टू बी लार्ज एंड सोई फ्लावर्स को ज़्यादा बड़ा और एकदम से एकदम चमकीला फैला हुआ दिखाई देने की जरूरत तो नहीं है ना। सेंट एंड नेक्टर नीड नॉट बी प्रोड्यूस बाय द फ्लावर्स, जरूरी नहीं है कि वाले जो फ्लावर्स हैं वो सेंट छोड़ें या फिर नेक्टर प्रोड्यूस करें, जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्टर वगैरह छोड़ने का फायदा तब होता है जब अलग अलग प्लांट हो, तो अलग अलग प्लांट हो तो उनकी तरफ पॉलिनेशन लेने में दिक्कत होती है, उनके पास पॉलिनेशन खुद से जा नहीं सकते हैं। तो सेंट और नेक्टर क्या करते हैं, इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन से भेजते हैं दूसरे प्लांट में, तो वो उस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर भी इसके लिए जरूरी होता है, वैसे इसको प्लांट्स के अंदर भी जरूरी नहीं है। ठीक है, ऑल द अबव एडवांटेज मीन ग्रेट इकॉनमी। वो कह रहे हैं ऊपर जितने भी एडवांटेज पड़े हैं सभी का सिंपल सा मतलब है कि ग्रेट इकॉनमी, ग्रेट इकॉनमी मतलब कि सारे काम सही तरीके से होना, अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट मटेरियल विच वुड अदरवाइज बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ पोलिन नेक्टर सेंट एट लार्ज सीड। बेसिकली कह रहे हैं जितने भी न्यूट्रिएंट मटेरियल हमें लगते हैं बेसिकली है ना प्रोडक्शन में है ना पॉलिनेशन के प्रोसेस में वो सेव हो जाते हैं, जैसे नेक्टर हुआ, सेंट हुआ और लार्ज पेटल्स हुए, सारी चीज़ सेव हो जाती है, उसमें जरूरत नहीं पड़ती है, सेम प्लांट के अंदर होता है। ठीक है,
डिसएडवांटेजेस, ये तो एडवांटेज तो हमने पढ़ लिया, डिसएडवांटेजेस अगर पढ़ते हैं तो कह रहे हैं कंटिन्यूड कंटिन्यूड सेल्फ पोलिनेशन, जनरेशन ऑफ द जनरेशन, एक जनरेशन का दूसरी जनरेशन, मेरिट टू वे वेराइटी ऑफ द स्पीसीज, वो कह रहे हैं इससे ना वेराइटी थोड़ी कम हो सकती है, इससे ना वेराइटी थोड़ी कम हो सकती है, हर एक सेम तरह की प्लांट आती जाएंगे जनरेशन टू जनरेशन, एक के बाद एक सेम तरह की प्लांट आएंगे, वेराइटी कुछ आ ही नहीं पाएगी, वेराइटी कुछ आ ही नहीं पाएगी, ठीक है। एंड द सीड्स प्रोड्यूस थ्रू इट आर पुअर इन क्वालिटी, लेकिन इनके थ्रू जो सीड्स प्रोड्यूस होते हैं वो थोड़े पुअर क्वालिटी के होते हैं, एंड गिव राइज टू लेस विगोरस ऑफ स्प्रिंग, और उनसे ऑफ स्प्रिंग मतलब होता है न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न बेबी है ना, चाइल्ड बेसिकली, ऑफ स्प्रिंग मतलब चाइल्ड है ना, तो उससे जो नया जो फ्लावर होगा बेसिकली वो थोड़ा वीक होगा, वो थोड़ा सा क्या होगा लेस स्ट्रांग होगा, लेस स्ट्रांग होगा यानी कि वीक होगा, थोड़ा सा क्या होगा वीक होगा, ठीक है। द वीकर और डिफेक्टिव कैरेक्टर्स ऑफ द वेराइटी ऑफ ब्रीड कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, वो कह रहा है ऐसे फ्लावर ऐसे हैं कि अब उसको एलिमिनेट नहीं, एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, ये प्लांट ऐसे कि आप उसको एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, यानी सोसाइटी में एक वीक कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स वाला प्लांट रह जाएगा, सोसाइटी में एक वीक प्लांट, एक वीक वेराइटी, वीक वीक ब्रीड रह जाएगी, इट डज नॉट यील्ड न्यू वेराइटीज, उठ वाले की तरह ही आ गया, सेम बात आ गई, नई नई वेराइटीज नहीं आएंगी, नई नई वेराइटीज नहीं आएंगी, द जेनेटिक ट्रेट्स ऑफ द सेम प्लांट विद नो चेंज एंड विदाउट एनी इंटरमिक्सिंग आर पास्ड ऑन नेक्स्ट जनरेशन, सारे सेम कैरेक्टरिस्टिक इधर से उधर पास होते रहेंगे, दस देर इज लिटिल चांस फॉर इम्प्रूवमेंट इन नेक्स्ट जनरेशन, तो बहुत कम चांस हैं, बहुत ना के बराबर कम चांसेस हैं कि नेक्स्ट जनरेशन को चेंजेस होगा, ठीक है। ये डिसएडवांटेज भी लॉजिकली था, एडवांटेजेस भी लॉजिकली थे, तो याद हो सकते हैं, कोई यहाँ पर ट्रिक की जरूरत नहीं है। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर्स ऑफ फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, यानी है तो सेम स्पीसीज के लेकिन एक लेकिन प्लांट अलग अलग है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के तरफ जाना उसको बोलते हैं क्रॉस, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर, ठीक है, तो सेम रहेगा, क्रॉस का मीनिंग क्या हो जाएगा, वन प्लांट टू अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज है ना, इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। लार्ज फ्लावर्स विद ओपन पेटल्स एंड एक्सपोज टू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कॉल्ड चेस्मोगेमस फ्लावर्स, वो कह रहे हैं कुछ बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं जिनके पेटल्स खुले होते हैं और एक्सपोज होते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी उनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं स्टामेन और स्टामेन और स्टामेन एंड ये समझ लो स्टामेन तो और दूसरा ध्यान रहा एंथर स्टिग्मा बेसिकली क्या रहते हैं, ये ओपन रहते हैं, हिडन नहीं रहते, ये हिडन नहीं रहते, ठीक है। ना ये एक्सपोज रहते हैं, फिर ओपन रहते हैं, ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, कैज्मोगेमस है ना, कैज्मोगेमस बोलते हैं, कैज्मोगेमस फ्लावर्स बोलते हैं। सो द फ्लावर्स रिक्वायर एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट्स, इनको एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत होती है, सर पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, विंड इंसेक्ट्स वाटर, यानी जो जो पॉलन गैस को कैरी करके चलता है उसको दूसरे ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स, एंड देयरफॉर दे अंडरगो मेनली क्रॉस पॉलिनेशन, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर मेनली क्रॉस पॉलिनेशन होता है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड कुछ प्लांट्स के नाम बता रहे हैं, ऑक्सलिस हिबिस्कस, हिबिस्कस वाला पत्ता गोभी आपको, ठीक है। एडवांटेजेस पढ़ते हैं, द ऑफ स्प्रिंग्स आर हेल्दियर, जो न्यू बॉर्न प्लांट्स फ्लावर्स होते हैं हेल्दी होते हैं, वहाँ पे वीक होते हैं यहाँ पे हेल्दियर होते हैं। द सीड्स प्रोड्यूस अबंडेंट एंड वायबल, तो वहाँ पर जो सीड्स होते थे वो पुअर क्वालिटी के होते थे, यहाँ पर जो सीड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं पहले और वायबल होते हैं, उनकी क्वालिटी सही होती है, वहाँ पर सर कोई न्यू वेराइटीज नहीं होती थी, यहाँ पर न्यू वेराइटीज होती हैं, यानी कि सर वहाँ के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो यहाँ के एडवांटेजेस हो गए,
यानी कि सर एक ही को याद करने से कम हो जाएगा? बिल्कुल, आपको एक को याद हो गया तो दो, एक का डिसएडवांटेज दूसरे का एडवांटेज है। और सर यहाँ के डिसएडवांटेज क्या होंगे, ये देखते हैं, थोड़े उसी के जैसे हैं, अलग अलग हैं, थोड़े तो उससे जैसे होंगे, थोड़े अलग भी हो सकते हैं। द पॉलिसी इज नॉट ऑलवेज सर्टेन, वो कह रहा है पॉलिसी हर बार हो जरूर नहीं है सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जिस पॉलन की हमें जरूरत है, जैसे हमें सेम कैटेगरी के पॉलन की जरूरत होती है ना, पॉलिनेशन के लिए, तो जब वो जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं वो उस टाइम वो हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग, हमारी नीड के अकॉर्डिंग पॉलिनेटिंग एजेंट वो पॉलन ग्रेड नहीं नहीं लेकर आए, तो हो सकता है कभी कभी ये ना हो, कभी कभी ये ना हो, ठीक है, रीजन इसे लिखा हुआ है। दूसरा कह रहा है यहाँ पर वेस्टेज बहुत होती है, यहाँ पर वेस्टेज बहुत होती है, क्योंकि यहाँ पे जब इंसेक्ट लेकर आते हैं फॉरन गैस, तो उनके पैरों से गिरते भी हैं, उनकी बॉडी से गिरते भी हैं, ठीक है। द पॉलन हैज टू बी प्रोड्यूस लार्ज क्वान्टिटी, पॉलन की बड़ी क्वान्टिटी में बहुत होते हैं, टू एंश्योर मैक्सिमम चांस ऑफ पॉलिनेशन, ताकि बहुत ज़्यादा हो सके, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है, आप बस ये ध्यान रखो। अब वो कह रहा है वो इकोनॉमिकल था, ये वाला अन इकोनॉमिकल है, द प्रोसेस इज अन इकोनॉमिकल फॉर द प्लांट बिकॉज द फ्लावर्स हैव टू बी लार्ज, लेकिन अन इकोनॉमिकल है, थोड़ा नुकसानदायक है बेसिकली प्लांट्स के लिए, क्योंकि प्लांट को फिर बड़ा होना पड़ता है, कलर्ड होना पड़ता है, सेंटेड होना पड़ता है, और प्रोड्यूस करना पड़ता है नेक्टर, है ना, तो ये मतलब थोड़ा वायबल नहीं है, ठीक है, इससे इनकी क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है। द डिफरेंसेज बिटवीन द सेल्फ पोलिनेशन एंड द क्रॉस पोलिनेशन आर समराइज्ड इन टेबल 5.1, ये टेबल 5.1 लिखिए, इसमें डिफरेंस दिया हुआ है, तो कुछ डिफरेंसेज तो हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज के बीच में हम निकाल सकते हैं, ठीक है, बाकी इन्होंने दे रखे हैं, इनकी भी देख लेंगे एक बार, पर देख ही लेते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन के पल पढ़ते हैं, इट द ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन फ्रॉम द एंथर टू द सिस्टम ऑफ सेम फ्लावर, यानी ये तो सेम फ्लावर के बीच में होता है, और ये फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, ठीक है, सर यहाँ पर कोई एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, यहाँ पर मेल और फीमेल पार्ट्स का सेम ये सेम टाइम पर मैचर होते हैं, सर यहाँ हो जरूर नहीं, यहाँ हो जरूर नहीं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पर मैचर होते हैं, इसी वजह से कभी कभी हमारे पॉलिनेशन कभी कभी नहीं हो पाता। इट कैन अकर इवन वेन फ्लावर इज क्लोज, सर यहाँ पे तो क्योंकि ये पर ये मेल और फीमेल पार्ट्स एक दूसरे के पास होते हैं, साथ होते हैं, तो यहाँ पर वैसे फ्लावर क्लोज हो, फ्लावर वैसे क्लोज हो तब भी पॉलिनेशन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उसका एक्सपोज होना जरूरी है, यहाँ पर उसका ओपन होना जरूरी है। इट प्रिजर्व पेरेंटल कैरेक्टर्स, यहाँ पे पेरेंटल कैरेक्टर्स से प्रिजर्व होते हैं, यहाँ पर तो देखो डिफरेंट फ्लावर बन गया तो वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, तो यहाँ पर नहीं रहते हैं, यहाँ पर प्रिजर्व नहीं रहते हैं। न्यू वेरिएशंस आर इम्पॉसिबल, हाँ नई नई वेराइटियाँ यहाँ पर नहीं बनती हैं, नई नई वेराइटियाँ यहाँ पर नहीं बनती हैं, यहाँ पर बनती हैं, यहाँ पर हेल्दियर भी होते हैं, और बहुत सारे एनवायरमेंटल चेंजेस भी आते हैं फ्लावर्स के अंदर, तो लिखा हुआ है यहाँ पर नई वेराइटीज नहीं बनती है, हैंस यंग वंस कैन नॉट अडेप्ट टू चेंज एनवायरमेंट कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन, तो वो चेंज एनवायरमेंटल कंडीशन को अडॉप्ट करने में ज़्यादा एबल नहीं होते हैं। न्यू वेराइटीज आर नॉट पॉसिबल, ये लिखा हुआ है यहाँ पर न्यू वेराइटीज नहीं, पर यहाँ पर न्यू वेराइटीज नहीं पॉसिबल हो पाती हैं, यहाँ पर हो जाती हैं। सेवेंथ सिक्स वाले में अभी सेम मत लिखो, सिक्स वाले में अभी लिखो ये वाला, ठीक है, ये डिफरेंस इजी है, याद कर सकते हो। अब आते हैं जरा, वो कह रहे हैं नेचर फेवर्स क्रॉस पोलिनेशन, नेचर बेसिकली अगर नेचर किस का फेवर लेते हैं, नेचर चाहता है कि क्रॉस पोलिनेशन ही हो, मेजोरिटी वास्ट मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर क्रॉस पोलिनेटेड, वो कह रहे हैं ज्यादा जितने भी प्लांट्स के बीच में तो मेजरली सारे क्रॉस पोलिनेटेड होते हैं, यानी सब में क्रॉस पोलिनेशन होता है। सम ऑफ द वेरियस डिवाइसेज और द कंडीशन विच फेवर क्रॉस पोलिनेशन आर एज फॉलोज, वो कह रहे हैं कुछ कंडीशन होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रिक्वायर्ड है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, ठीक है, जरा पढ़ते हैं जरा।
पहला एक दो तीन चार पांच है ना, एक दो तीन चार पांच। अरे अजीब अजीब से नाम है, तो मीनिंग भी नहीं पता इनके। हाँ तो पढ़ेंगे ना अभी। पहला है यूनिसेक्सुअलिटी। द फ्लावर्स में भी आइदर मेल और फीमेल एंड दे मे बी बोर्न ऑन सेपरेट प्लांट्स। वो कह रहा है ये अलग अलग हो सकते हैं, ये हो सकते हैं मेल और फीमेल अलग अलग हो, दोनों अलग अलग प्लांट्स पर सेपरेट बोर्न हुए हो। इन दिस वे क्रॉस पॉलिनेशन इज द ओनली पॉसिबिलिटी। तो वो कह रहे हैं ऐसे केस में तो क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, ऐसे केस में तो क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं पाम्स एंड पपाया, पाम्स एंड पपाया। तो वो कह रहे हैं पपाया यूजुअली हैज सेपरेट मेल एंड फीमेल ट्रीज। पपाया के मेल और फीमेल के अलग अलग सेपरेट ट्रीज होते हैं, बट लेस फ्रिक्वेंटली देयर में ऑल्सो बी अ हर्माफ्रोडाइट ट्री बियरिंग बोथ काइंड्स ऑफ फ्लावर्स। तो लेकिन कभी कभी ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ पे दोनों ही पार्ट्स होंगे इसके लिए। ठीक है, तो पहले तो ये बोल रहा है क्रॉस पोलिनेशन वाले एग्जाम्पल दे रहा है पपाया, फिर बोल रहा है कि पपाया कभी 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 दोनों काइंड के साथ से बेयर कर सकते हैं, मेल और फीमेल कभी कभी, है ना, हमेशा नहीं कभी कभी। फिर बात हो रही कुकुम्बर की, फिर बात हो रही कुकुम्बर की, और बात हो रही गॉड की। गॉड आई थिंक बोलते हैं करेले को, आई थिंक जहाँ तक मेरे को पता है। द मेल एंड फीमेल पार्ट्स में बोर्न ऑन द सेम प्लांट। यहाँ पर भी मेल और फीमेल सेम प्लांट पर ही होते हैं, कुछ है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली बताया कि अगर क्रॉस पोलिनेशन होता है, क्रॉस होने के लिए प्लांट यूनिसेक्सुअल होनी चाहिए। ठीक है, यानी एक प्लांट में एक ही कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, तो मेल की या फीमेल की। ठीक है, दूसरा कह रहा है डिकोगेमी। डिकोगेमी मतलब क्या? डिफरेंट टाइमिंग्स ऑफ मैच्योरेशन ऑफ एंड्रोसियम यानी मेल 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 पार्ट एंड जाइनोजियम यानी फीमेल पार्ट, दोनों की को डिफरेंट टाइमिंग। ये डिकोगेमी का मीनिंग है, ये डिकोगेमी का मीनिंग है। मेनी बाइज तो कह रहे हैं मेनी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स द एंथर्स एंड सिस्टम ऑफ सेम फ्लावर मैच्योर एट द डिफरेंट टाइम। तो कह रहे हैं जितने बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उनमें ये जो पार्ट होते हैं बेसिकली एंथर स्टिग्मा, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप पर के होते हैं, मैच्योर होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप पर के होते हैं, मैच्योर होते हैं। इन सम प्लांट्स एंथर्स ऑफ द फ्लावर मैच्योर अर्लियर देन स्टिग्मा, कभी कभी वो पहले हो जाता है, जिसको प्रोटेंडेंसी बोलते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ टाइम पर स्टिग्मा जल्दी हो जाता है, उसको प्रोटोगेनी बोलते हैं। यानी कि कभी कभी एंथर मैच्योर हो जाता है अर्लियर देन स्टिग्मा, इसको बोलते हैं प्रोटेंडरी। कभी कभी स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है अर्लियर देन एंथर, इसको बोलते हैं प्रोटोगेनी। ठीक है, एग्जाम्पल के इन दोनों के लेडी फिंगर, स्वीट पी, सेल्विया, सनफ्लावर। यहाँ पर कस्टर्ड एप्पल और पीपल। ठीक है, ये मिनी यहाँ पे याद रखना, प्रो मतलब पहले और गाइन मतलब फीमेल, और जैसे यहाँ पर एंट्री मतलब है मेल, है ना। एंड आइदर केस क्रॉस पोलिनेशन इज द ओनली पॉसिबिलिटी। चाहे दोनों से कुछ भी हो, होगा यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन ही। फिर कह रहा है सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी। तो क्या मतलब उसका, पढ़ते हैं आगे। दिस इज अ कंडीशन इन विच इवन इफ द स्टिग्मा रिसीव्स पॉलन फ्रॉम द एंथर्स ऑफ द सेम प्लांट द पॉलन फेल्स टू अंडरगो फर्दर ग्रोथ। इन सच केस ओनली द पॉलन फ्रॉम एंथर प्लांट फ्रॉम अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पेसीज कैन इफेक्टिवली कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ सीड्स। वो कह रहा है कभी कभी क्या हो सकता है कि स्टिग्मा को पॉलन ग्रेन्स मिले हों सेम फ्लावर से, लेकिन उससे ग्रोथ हो नहीं पा रही, उससे ग्रोथ हो नहीं पा रही। तो ऐसे केस में फिर हमें दूसरे प्लांट से ही हमें क्या लेने होंगे, पॉलन ग्रेन्स लेने होंगे। ठीक है, तो कभी कभी सेल्फ स्टेरिलिटी आती है। सेल्फ स्टेरिलिटी मतलब क्या हो गया,
कि कभी कभी अपने पॉलन ग्रेन्स काम नहीं कर रहे, कभी कभी अपने पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेशन में इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, तो हमें दूसरे प्लांट्स लेने पड़ते हैं। सर ऐसे केस में जो एग्जांपल दो कोई प्लांट का, तो रे फॉरेट्स ऑफ संसार ऑर्चिड्स, ये कुछ एग्जांपल आपको दे रखे हैं, ठीक है। हर को गेमी, गेमी मतलब पढ़ाई था, फीमेल फीमेल पार्ट को बोलते हैं। हर को उसका मीनिंग देख लो, हर को मतलब बैरियर। तो बैरियर कैसे हो सकता है, कैसे बैरियर हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, स्ट्रक्चरल भी हो सकता है, ठीक है। तो कैन सम फ्लावर्स द पॉलन ऑफ अ फ्लावर कैन नॉट रीच द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। वो कह रहा है सेम फ्लावर में ही है, लेकिन कभी भी पॉलन ग्रेन्स नहीं पहुंच पाते हैं, कभी कभी नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में दूसरे फ्लावर के ही चाहिए होते हैं, ठीक है। जब दूसरे फ्लावर के चाहिए होंगे तो क्रॉस पोलिनेशन होगा ही होगा, तो ये रीजन मिल गया। तो एक एग्जाम्पल बताओ तो जहाँ पे एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन इस सेम फ्लावर पे क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच पाते यहाँ पर। तो लिखा हुआ होड़ कवरिंग द स्टिग्मा एक्ट्स एज अ मैकेनिकल बैरियर इन फ्लावर्स ऑफ पेंजली। पेंजली और इरिस नाम का कोई फ्लावर है, वहाँ पर एक होड़ होता है जो क्या करता है, स्टिग्मा को कवर कर रखता है, और क्योंकि वो कवर कर रखता है तो वहाँ पर वो आ ही नहीं पाते हैं, वो आ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। हेटेरोस्टाइली, मेरा हेटेरोस्टाइली पता नहीं क्या लिखा हुआ है। इन सच फ्लावर्स द, ये कुछ तरह के फ्लावर्स होते हैं, तो वो कह रहे हैं इन सच फ्लावर्स द स्टिग्मा एंड एंथस ग्रो डिफरेंट हाइट्स। एक तो वो कह रहे हैं कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनको हेटेरोस्टाइल वाले फ्लावर्स बोला जाता है। तो यहाँ पर स्टिग्मा एंथर की जो हाइट होती है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत है। ठीक है, सब फ्लावर्स के एग्जांपल क्या हैं, प्रिमरोज ऑक्सिलीज है ना, 5.2 पर आपको दिए हुए हैं। ठीक है, आपको वैसे सेम हाइट के तो है तो है, लेकिन बात हो रही स्टिग्मा की और एंथर की, इनकी तो हाइट चेंज हो गई, इनकी तो हाइट चेंज हो गई, ठीक है। ठीक है, हाइट चेंज हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे एजेंट्स, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। तीन एजेंट्स होते हैं, वाटर, इंसेक्ट्स, विंड। तो इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। पढ़ा देता, लेकिन बड़ा टॉपिक है, हो नहीं पाएगा पूरे एक बार में। पढ़ाते हैं इसके, तो विच विच ऑफ द फ्लावर इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर, ये वाला आप कर सकते हो। एग्ज एंड टेन आर द पार्ट्स ऑफ, ये भी नहीं पढ़ाया। स्टेट द नेम ऑफ द चीफ पॉलिनेटिंग एजेंट अगेंस्ट द प्लांट बाय चूजिंग। ये तो अभी आप सेल्फ पॉलिनेटिंग एजेंट पढ़ोगे, सॉरी पॉलिनेटिंग एजेंट अगर पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा ये वाला, तो अभी छोड़ो उसको। ये वाला
ठीक है। अभी हम तीन फैक्टर पढ़े थे ना, तीन में सबको दो मेंशन करने हैं कि किस वजह से क्रॉस पोलिनेशन को फीवर मिलता है बेसिकली। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है, यहाँ पढ़ चुके हो, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन ही बोला है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको सेल्फ पोलिनेशन भी याद कर लेना, यहीं पर लिख लो सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। सब बुक में तो क्रॉस ही दिया हुआ है, अरे आप दिमाग लगा सकते हो अपने लिए, है ना, थोड़ा सा अपने यहाँ पे दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, ओवर करते हैं आज, है ना।